अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इस वक्त पंजाब सोसाइटी के साथ अपोजिट कमाहा रोड वाली मंडी पे मौजूद हूँ और यहाँ से हम देखते हैं मंडियों के क्या हालात चल रहे हैं, किस तरह से जो मवेशियों के मालकान हैं उनसे बात करते हैं, देखते हैं क्या उनके कहना है, क्या किस तरह से हालात जा रहे हैं। इस दफ़ा आवाम के पिछली दफ़ा की तरह खरीदो फरोख्त है यहाँ बिल्कुल भी नहीं, यहाँ कम हो गई है, क्या अप डाउन हुई हैं, अभी हम सारा मामला देखते हैं। आइए हमारे साथ चलिए, ये इस टाइम हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। भाजी की हाल चाल? ठीक ठाक। मालक हो जानवर के? नहीं। हाँ जी, अभी तो देखनी है। देखने आए हो? हाँ जी। ते की रेट उठ जा रहे ने? महंगा ही जा रहा, तेज जा रहा। पिछली दफा थी तो पिछली दफा ज्यादा तेज जा रहा। ते की लगता कुछ होएगा कि नहीं? एक कुछ अल्लाह ताला नु पता होना चाहिए, बनदा कि नहीं बनदा। आप लोग बेचते हैं यहां पे? जी बेचते हैं। अच्छा, क्या नाम है आपका? अलीस ने। अब्बास। अच्छा देखो, पिछली दफ़ा जो हालात थे जानवरों के, इस दफ़ा उसी तरह स्वीट से बिक रहे हैं या क्या? स्वीट सूट कम हुई है? उस तरह से स्वीट से बिक रहे हैं। स्वीट से बिक रहे हैं। और रेट के हवाले से क्या? जी रेट के हवाले से कीमत जैसे चंगी लगती आएगी उसे बेचते जाएंगे। पिछली दफ़ा कीमत ज़्यादा थी या इस दफ़ा कीमत ज़्यादा है? ज़्यादा कीमत है जी। तो खरीद और फरोख्त अभी तक कितने का आपने कर दिया है? कितने बकरे वगैरह बेच दिए? 10-12 बेच दिए। सही काम चल रहा है? सही। शुक्रिया, आगे चलते हैं जी। वालेकुम सलाम सर, कैसी तबीयत है? शुक्र माला। तो ये सर जानवर लेने आए? जानवर देखने आए हो? छोटा 2.5 लाख रुपया मंगा। 2.5 लाख रुपया मांग रहे हैं? पिछली दफा रेट ज्यादा थे जानवर के, इस दफा ज्यादा? यार के भी रेट चंगा है। तो पिछली दफा से ज्यादा है या कम है? ज्यादा ही। क्या लगता है कोई जैसे पिछली बार की तरह कुर्बानियां पे रश था, इस दफा वो चीज होगा? आसा आसा ही रेट बहुत ज्यादा है। एक हफ्ता रह गया। हाँ जी, तो कोई भी चंगा है? अस्सलाम वालेकुम सलाम भाई, बहुत ज्यादा रेट है, बहुत ज्यादा रेट है, अखीर हो गई भाई रेटों वाली। तो पिछली दफा ज्यादा थी, इस दफा बहुत ज्यादा है भाई। तो क्या आपको लगता है जैसे पिछली बार मंडियों पे ईदों पे महीना पहले घरों में रश होता था, गलियों में रश होता था, इस बार तो मेरे ख्याल चांद रात पे भी नहीं होगा भाई। ईद वाले दिन लोग लेके जाएंगे। भाई इतने हालात खराब हैं, जॉब्स हैं कोई नहीं, कारोबारी हालात ठप हुए पड़े हैं। ठीक है, ऊपर से मैच चलना शुरू हो गए हैं, मैच चल रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल, कुछ लोगों का रुझान मैच की तरफ भी है और कुछ माली तौर पे लोग परेशान हैं। इस दफा से वो पहले वाला सिनेरियो बिल्कुल नहीं है भाई, बिल्कुल ऐसा ही है। अल्लाह ताला बस हमारे मुल्क के हालात बेहतर करे। ठीक है, हमारी दुआ है हमारे मुल्क पाकिस्तान के लिए। तो क्या आपने पता किया क्या रेट मिला भाई जान? मैंने कुछ बकरे देखे हैं, कुछ बैठे देखे हैं, जो बैठे हैं वो 3.5-4 लाख से कम नहीं है। पिछली दफा आपको कितने मिला? वो तकरीबन हम 1.70 में 1.60 में, मतलब यानी कि हाफ ऑफ डिफरेंस है। सर जो पिछली दफा ईद के पास हालात जाते हैं यानी कि रौनक होती है घरों में मोहल्लों में, इस दफा से वो चीज नजर आ रही है क्या? थोड़ी नजर आ रही है, आज इतवार है, आज नजर आई थोड़ी, वैसे आज से पहले तो कुछ नजर नहीं आ रहा। और रेट के लिहाज से क्या पिछली दफा रेट ज्यादा थे या इस दफा ज्यादा? जो प्यार से बात करता है उसके लिए रेट कम है, जो थोड़ा गुस्सा दिखाता है उसके लिए डबल रेट है। इंसान को चाहिए कि मोहब्बत प्यार से जानवर खरीदे, इंशाल्लाह सस्ता ही मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम सलाम, क्या हाल चाल? अल्हम्दुलिल्लाह। की नाम है आपका? मोहम्मद अकील। अच्छा, केड़े जानवर देखे? ए जड़े खड़े ने बोना ही नहीं। ए नीते ठेका हुंदा ना? हाँ जी ठेका हुंदा। कितना ठेका देता है? अदील दी वाल अकील दी वाल दा पिछले। हां जी कितना ठेका देता जी? 2500 रुपए के जानवर दा एंटर हुंदा। अच्छा, ते जो पिछली बार रौनक होंदियां सी, जाहिर जी गल तुसी भी काफी अरसा हो गया बेचदे लगदा। हां जी जानवर बेचन लग गए सा। जो पिछली बार रौनक हैगियां सी जानवरां दी, हां जी कोल महीना पहले, ओ चीज नजर आ रही है? हुण किसे को टाइम नहीं हैगा ना, घर सफाई नहीं बुढ़िया करदियां? नहीं मैं यार वो यही गल है ना, बोस सफाई करनगे ते कल जावांगे ना, बंदियां को ते काम ते जानगे कि इन्ने सफाई करनगे। रेट बहुत तेज ने, बहुत पिछो बड़ा महंगा आ रहा समान। पिछो किन्ने किन्ने आ रहे? काफी महंगा आ रहा है, 2.5 लाख रुपए का आया, बेचांगे की रेट? बहुत हाई ले रेट ने, बहुत बड़ी मंडी लोग कहते डेगी चढ़गी, इतने समझ नहीं आती केड़ी डिगी ते केड़ी चढ़ी। किन्ने बकरे बैठ गए चुके हो? 4 बेचे ने बस, 5 दिन हो गए ने ते बैठे, 5 दिन ते पता नहीं किन्ने खा गए ने। चलो
माशाल्लाह नाज़रीन आप बकरा चेक कर सकते हैं इस वक्त, बड़ा खूबसूरत है। आपका बकरा है? हाँ जी हमारा है। क्या रेट मांग रहे हैं इसका? 3 लाख मांग रहे हैं। 3 लाख जी हाँ। पीछे से कितने का पड़ा है? पीछे से 2,70,000 का आया है। अच्छा तो मुझे एक बात बताएं, आपको कितनी देर हो गई बेचते हुए मवेशी का काम करते हुए? तकरीबन 4 साल हो गए। तकरीबन 4 साल। हाँ जी, मुश्किल हो रही थी, आप पंजाबी की गल कर लेते, कोई मसला नहीं। नहीं पंजाबी नहीं आती मैंने। नहीं आती? नहीं। अच्छा तो फिर मुझे ये बताएं कि जो पिछली दफ़ा हालात थे ईदों पे या 3-4 साल पहले ईद के हालात थे, महीना महीना पहले लोग बकरे ले जाते थे, इतनी रौनक होती थी, रश होता था, इस वो चीज़ नज़र आ रही है या नहीं? हाँ आ तो रही है, महंगाई के लिहाज से जो है ना काफ़ी रौनक कम है। कम है? हाँ जी हाँ। क्या लगता है इस दफ़ा के लोग उसी हिसाब से कुर्बानी खरीदेंगे या नहीं? कम खरीद रहे हैं उससे। हाँ आप कितने बकरे ले गए? 78 बकरे थे हमारे इलाके। कितने बेच चुके? तकरीबन कोई 10-15 बेच गए हैं। 10-15 जी जी। अभी चार कितने दिन हो गए हैं अभी बैठे हैं? 4 दिन हो गए हैं। 4 दिन में 10-15 बेचे? जी हाँ। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसी थी? शुक्र अल्लाह। सर क्या नाम है? नदीम इकबाल। अच्छा नदीम भाई, ये जानवर रखते हैं? हाँ जी ये भी जानवर हैं, वो भी जानवर हैं, एक ये भी है। ये कितना ठेका हुआ है आपका? ठेका मीन इस जगह किराया वगैरह कितना है? कितना है ये? तकरीबन हमारे पास 26 जानवर हैं, 50,000 रुपया किराया, 2,000 रुपया एक एक जानवर का। किराया ज़्यादा नहीं ले रहे कि कुछ ठीक ले रहे हैं? नहीं ज़्यादा है, जानवर के हिसाब से ज़्यादा है बस, अब वो जानवरों के लिए जगह तो चाहिए ना। अच्छा नदीम भाई बताइएगा ज़रा, जो 3-4 साल पहले, जाहिर सी बात है आपकी उम्र भी ज़्यादा है, 3-4 साल पहले जो हालात होते थे घरों में मोहल्लों में रौनकें होती थी, लोग महीना महीना पहले बकरे वगैरह लेने शुरू करते थे, इस दफ़ा वो चीज़ नज़र आ रही है या नहीं? नहीं वो चीज़ तो नहीं नज़र आ रही, क्योंकि अभी तक कोई, आज जैसे संडे है तो रौनक होनी चाहिए थी, और 10 दिन अभी 8 दिन रह गए ईद में, तो कोई रौनक आपको सामने मंडी वीरान पड़ी है, कोई रौनक ही नहीं है। क्या लगता है इस दफ़ा लोग ज़्यादा खरीदेंगे या बस कोई कोई चांदी एक तो? नहीं इस दफ़ा जो है हर बंदा महंगाई का रोना रो रहा है, जो भी आता है यहाँ रेट ही नहीं लगाता, जिस सामने चीज़ है अच्छी चीज़ है रेट उसका कुछ भी नहीं है, बस महंगाई जी महंगी है जी। कितने का कम से कम आपके पास कितने वाला बकरे? हमारे पास कम से कम 60,000 का भी है। दिखाइएगा बकरे। वो लेके आओ वाइट वाला। नहीं नहीं ठीक है, वो मैं अपने कैमरा मैन से कह रहा हूँ। अच्छा तो नदीम भाई महंगाई के लिहाज से क्या कहेंगे आप इस समय? महंगाई सबके लिए जैसी है, मगर ये है कि कुर्बानी तो महंगाई को नहीं, क्योंकि जिस लिहाज से महंगाई है उस लिहाज से हर चीज़, हर बंदे की तनख्वाहें भी बढ़ी हैं, अगर कोई दुकानदार है तो उसने अपनी चीज़ें महंगी की हैं, बात तो वहीं आ जाती है। तो महंगाई का वैसे ही रोना रोया जाता है, वैसे तो हर चीज़ नॉर्मल, जब पैसे की कदर ज़्यादा है तो महंगाई कहाँ पर है। ठीक है, चलें शुक्रिया।